डीजल भरना है। अरे मेरा मोटरसाइकिल में पेट्रोल जाता है, डीजल कहाँ से डालूं? इसको पानी खींचने के लिए या पानी बोलो तो खेत में डालने के लिए जो ये यूज किया जाता है। फील इट फॉरगेट इट। ये बुलेट आपको 1000 किलोमीटर का रेंज देती है ऑन वन टैंक ऑफ फ्यूल। ये देखो motorcycle to have been mass produced and sold by Royal Enfield in India. This is called the Taurus. It was brought to India in 1993. Unfortunately, after selling for many years, it had to be killed in 2000 because of the emission norms. And here I am with one today because it has some really cool features. So let's start her up. Firstly, isko chalu karne ke liye Royal Enfield ne chabi nahi di hai. आप बाइक कहीं भी पार्क कर सकते हो एंड ऑल यू हैव टू डू इज कम टू द किकर एंड स्टार्ट किकिंग। सो लेट स्टार्ट। आई एम वेरी गुड एट किकिंग्स, नॉट रियली। कम ऑन प्रियंका, कम ऑन। नो नो। आई थिंक आई एम गोइंग टू आस्क राजू भाई टू टीच मी हाउ दिस इज डन बिकॉज़ ही वाज सेइंग दैट द किकर ऑन दिस इज थोड़ा डिफरेंट। यार ये यार क्यों नहीं हो रहा है? हाँ ये इसी वजह से फेल हुई है गाड़ी। मैं तो और लोग लेते थे, क्यों चालू ही नहीं कर पाओगे तब चलाओगे कैसे? क्या बात करो, उसकी वजह से? इसी वजह से फेल हुई है, मैं तो और चलती थी ये गाड़ी। दिस मैन नोज इट ऑल, ही इज लाइक अ हिस्टोरियन। बट राजू भाई कैन स्टार्ट एनी एंड एवरी बाइक। ओ माय, इट स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स। ये कैसे चलाऊंगी मैं हर आज? थैंक यू राजू भाई। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, normally bullets have a 350cc or a 500cc lineup, but this particular bullet is a whole 325cc. It was created by Greaves Lombardini, which is an Italy based brand by the way. Ab aayegi mazey ki baat. Usually a 350cc bullet would give you about 30 to 35 kmpl, uska average wo ho jayega. Par ye jo bullet hai iska average hai 70 kmpl. Aur jab humne calculate kiya तो आप एक टैंक ऑफ फ्यूल में इसको अबाउट 931 किलोमीटर चला सकते हो, विच इज़ नट्स। क्योंकि आजकल पेट्रोल के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि दिस बाइक मेक्स ग्रेट सेंस इन टुडेज़ डे एंड एज। ऑल्सो अ 350cc पेट्रोल बुलेट गिव्स यू अबाउट 20 हॉर्सपावर, दिस वन गिव्स यू ओनली 6.5। तो थोड़े एडवांटेजेस हैं और थोड़ा डिसएडवांटेज भी है। सो हाउ इज द डीजल बुलेट डिफरेंट फ्रॉम द पेट्रोल वन? लेट्स गेट इनटू इट। फॉर स्टार्टर्स, इट हैज नो की। रॉयल एनफील्ड ने चाबी नहीं दी कि आप बस बैठ जाओ, किक स्टार्ट करो और चला लो।
तो इसको कोई भी मतलब चोरी कर सकता है. वाओ. फ्रॉम आवर लास्ट वीडियो जहाँ पे यू कुडंट स्टील द बाइक टू नाउ डूइंग दिस वीडियो वेयर एनीबडी कैन स्टील दिस बाइक. भैया आपको चाहिए, ले जाओ ले जाओ. द फील्स ऑफ राइडिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम राइडिंग ऑन अ रेगुलर बुलेट, बिकॉज लाइक मोस्ट ओल्ड बाइक्स द शिफ्टर्स ऑन दिस साइड, ये देखो, दिस इज टू शिफ्ट गियर्स एंड योर रियर ब्रेक इज ऑन दिस साइड, उल्टा ही है यहाँ पे, दैट्स योर रियर ब्रेक. सो थोड़ा मतलब टू गेट यूज टू इट, यू जस्ट हैव टू गेट यूज टू इट एंड देन आई गेस इट्स फन. ये देखो फ्लाई व्हील डिस्प्ले पे, वाव. अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस बाइक, आई एम गोइंग टू हैव समबडी एल्स एक्सप्लेन टू यू, बट बेसिकली दिस इज यूज्ड इन खेतीबाड़ी क्वाइट अ लॉट. लेट मी जस्ट गेट समबडी टू एक्सप्लेन. राजभाई प्लस वी हैव सीन राजूभाई मेनी टाइम्स ऑन दिस चैनल. सो राजूभाई इज द वन दैट हैज मेड दिस बाइक हैपन फॉर अस. ये बाइक जो है उनके फ्रेंड की है जो अभी 80 साल के हो गए हैं, बट यूज टू राइड दिस बाइक अ लॉट बैक इन द डे. राजूभाई आप मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोल रहे थे कि ये खेती बाड़ी में बहुत यूज़ होती है. जी, इसको जो है ना लोग खेत में यूज़ करते हैं वाटर पम्प के हिसाब से. कैसे? इसका जो फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील में एक बेल्ट उलग अटैच करते हैं ये साइड. हाँ. ये कवर निकाल के जो है. हाँ. ये इसको पानी खींचने के लिए या पानी बोलो तो खेत में डालने के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है. क्या बात कर रहे हो? ये आज से नहीं है, बहुत सालों से जो है इसको गुजरात महाराष्ट्र स्टेट में जो है. हाँ. इसको खेत वगैरह में सब यूज किया जाता है. वाओ यार, अमेजिंग. हाँ. ये पहली बार मैं ऐसा सुन रही हूँ. जी नहीं, पर ये होता है. अच्छा. बहुत सालों से हो रहा है ये चीज़. और ये कब बाइक आपके दोस्त ने कब खरीदी थी? ये 1997 में लिया था उन्होंने. ओके. जब उस टाइम पे इसका ऑन रोड प्राइस जो है 72,000 था. 72,000 था इसका 97 में. हाँ, वेरी एक्सपेंसिव यार. हाँ, बहुत एक्सपेंसिव थी ये उस टाइम पे. पर लोग खरीद रहे थे क्या ये बाइक उस टाइम? बॉम्बे में लोगों ने बहुत कम खरीदा इसको. अच्छा. पर आउट ऑफ बॉम्बे जो है लोगों ने काफी खरीदा इसको. इंटरेस्टिंग. काफी खरीदा. तो इतना एक्सपेंसिव होने के बावजूद आपको क्यों लगता है ये लोगों ने? मेन इसका एक तो डीजल थी. हाँ. और इसका एवरेज बहुत अच्छा है, 60-70 किलोमीटर का इसका एवरेज है. वो बोलते हैं ना, एक टाइम भरो और भूल जाओ. नहीं, आपने इंग्लिश में बोला था, वापस बोलो इंग्लिश में. फील इट फॉरगेट इट. फील इट एंड फॉरगेट इट. थैंक यू सो मच राजू भाई. ओके, आपकी रॉकेट के लिए हम रुके हैं. जरूर जरूर. ओके. पक्का पक्का. सब रुके हैं, सब पक्का पक्का. नेक्स्ट क्रिएशन गोना बी पोलो. It's crazy interesting to me how back in 1997, when I don't know, how old was I back then? Anyway, meri math bahut kharab hai. But back in 1997, people were paying almost 80,000 rupees for the diesel bullet. It's mad interesting to me. Kyunki aajkal, you know, we have so many more options and all, but back in the day, I think this would have been great for a lot of people because of the average, like Rajubhai rightly said. So in any case, I hope you guys enjoyed the video and what we've done with this. Really, thank you for watching our last ultraviolet video and your comments were very, very sweet. Ki humne dusra perspective laya when compared to the others. I'm really happy about that. Kyunki that's what I try to do with my videos. Kuch alag lane ki koshish always meri responsibility main sochti hoon hai. So I hope you guys will come back for the next video and I hope you like this. If you think this is interesting and if you didn't know about it and if you think your friends who are petrol bullet owners should see this, do share it with them. Subscribe, like. We're very, very close to 400k and very, very close to 500,000. So do subscribe and like. And yeah, come back soon. Bye. Chalo, main khet mein jaati hu abhi. Pani wani dalna hai khet mein, toh I will take this anyway.